राखी सावंत, पॉटी माउथ राखी सावंत, अश्लील, घटिया, जलील, घिनौनी, बदसात, बद दिमाग राखी सावंत टॉमी बनी है, और जो कोई भी उसकी ओर हड्डी फेंकता है उसके लिए वो भौंकना शुरू करती है। तो कभी साजिद खान के लिए भौंकती है, कभी राजकुंद्रा के लिए भौंकती है। वो कह रही है कि उसने मेरे अश्लील वीडियोस देखे हैं। तो मैंने उसके सामने ये सवाल रखा कि वो अपने फैंस को, दर्शकों को, मीडिया को क्यों नहीं बताना चाह रही है कि उन वीडियोस के निर्देशक और निर्माता कौन हैं। वो बताए, वो आधी अधूरी जानकारी क्यों दे रही है, वो पूरी जानकारी क्यों नहीं देना चाह रही है, वो बताए, खुलकर बताए कि जिस वीडियोस का वो जिक्र कर रही है उन वीडियोस के निर्देशक निर्माता कोई और नहीं बल्कि उसके भाई साहब राज कुंद्रा और उनकी श्रीमती शिल्पा शेट्टी हैं। लेकिन ऐसा बोलना उसके लिए मेरे ख्याल से अनुचित होगा क्योंकि राज कुंद्रा को वो भाई मानती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने कान और आंख खुले रखें और देखें कि क्या हो रहा है इस समाज में, इस इंडस्ट्री में। हाल ही में मैंने जुहू पुलिस स्टेशन पर मी टू आरोपी साजिद खान के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी, जिसके चलते पुलिस ने मुझको बुलाया मेरा बयान दर्ज करने के लिए। 29 अक्टूबर के दिन जब मैं जुहू पुलिस स्टेशन गई अपना बयान दर्ज करने, तब मुझसे पहले कहा गया था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आयो इस केस के वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। मैंने एक महिला पुलिस अधिकारी की मांग की, मुझसे कहा गया था कि उस समय वहाँ पर कोई महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं थी। तब मैंने वहाँ के SI सीनियर इंस्पेक्टर से ये गुजारिश की कि तुरंत एक महिला पुलिस अधिकारी का प्रबंध किया जाए एक मीटू विक्टिम का बयान दर्ज करने के लिए। मुझे कुछ घंटे वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा। तकरीबन रात के 8 बजे महिला पुलिस अधिकारी मेघा मैम, PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर मेघा मैम ने मेरा बयान दर्ज किया और मुझे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर PI मोहरे सर के पास लेकर गई, जहां जाकर मैंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से निवेदन किया कि तत्काल पुलिस कार्रवाई शुरू हो मीटू आरोपी साजिद खान के खिलाफ। उसके अगले दिन हमने देखा कि राखी सावंत, मोटर माउथ, पॉटी माउथ राखी सावंत मीडिया के सामने आकर कहने लगी कि पुलिस ने शैलेन चोपड़ा का बयान लेने से इनकार किया। उसने बताया कि क्योंकि उसके भाई मीटू आरोपी साजिद खान निर्दोष हैं, इसलिए पुलिस ने शैलेन चोपड़ा का बयान लेने से इनकार किया। उसकी इस बात में ज़रा भी सच्चाई नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा, 29 अक्टूबर की रात लगभग 8 बजे के आसपास PSI मेघा मैम ने मेरा बयान दर्ज किया। मेरे पास पुलिस कंप्लेंट की कॉपी है जो मैं आप सबको कुछ देर में दिखाऊंगी। हमने देखा है कि जब जब यौन शोषण का विरोध कोई करता है, खास तौर पर बॉलीवुड में, तब तब राखी सावंत और राखी सावंत जैसे कॉकरोचेस और कीड़े मकोड़े तुरंत खड़े हो जाते हैं यौन शोषण का विरोध करने वालों का विरोध करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इन लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों है? ये लोग यौन शोषण का विरोध न करके, यौन शोषण करने वालों का विरोध न करके,
यौन शोषण का विरोध करने वालों का विरोध क्यों करते हैं? क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? समझने वाली बात यह है कि राखी सावंत और उसके जैसे लोग इस इंडस्ट्री में और इस जिंदगी में इतनी बार यूज और अब्यूज हुए हैं कि आज जब किसी महिला का यौन शोषण होता है या किसी बच्ची का बलात्कार होता है तो उन्हें कसूरवार वो महिला लगती है या वो बच्ची लगती है जिसका यौन शोषण या बलात्कार होता है, उन्हें कसूरवार यौन शोषण करने वाला या बलात्कार करने वाला बिल्कुल नहीं लगता है। ये बहुत ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। यहाँ पर हम इनकी मानसिकता पर रोशनी डालकर इन्हें स्टडी कर सकते हैं। क्यों ये लोग यौन शोषण का विरोध नहीं करते हैं? क्यों? दिक्कत क्या है? क्या कोई मजबूरी है? क्या कोई प्रेशर है? क्या इन्हें लगता है कि किसी खान को खुश रखने के लिए इन्हें ड्रग कल्चर को, रेप कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए? क्या इस तरह का दबाव है इन पर? ये मेरी समझ के बाहर है। जब जब मैंने यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, चाहे वो पिछले साल क्यों ना हो राजकुंद्रा के खिलाफ, चाहे वो इस साल क्यों ना हो मी टू आरोपी साजिद खान के खिलाफ, हमेशा राखी सावंत जैसे लोग ज़बरदस्ती बीच में आकर यौन शोषण का विरोध करने वालों का विरोध करके ये साबित करते हैं कि यौन शोषण करना मर्दों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। ये लोग पेट्रियार्की को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा समाज स्वच्छ बने। ये लोग नहीं चाहते हैं कि भारत में स्वच्छ अभियान हो। हाल ही में राखी सावंत ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि वो शैलेन चोपड़ा को फोड़ देगी, शैलेन चोपड़ा को उल्टा लटका देगी। उसको मैं बता दूं कि हमारा संविधान हमें किसी को भी जान से मारने की धमकी देने की इजाज़त नहीं देता है, और इसके चलते मेरी लीगल टीम ने, फाल्कन लीगल ने, इन धाराओं के तहत 499 डेफामेशन, 500 पनिशमेंट फॉर डेफामेशन, 509 वर्ड जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इन आईपीसी धाराओं के तहत राखी सावंत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की जुहू पुलिस चौकी में। आप देख सकते हैं पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट मिस राखी सावंत, पॉटी माउथ राखी सावंत। जी शैलेन जी, लेकिन ये जानना चाहूंगा कि राखी सावंत पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी को अपना अपना बोलती है, वो तो उनका आत्म की आदत है जी, तो कितना आपको लगता है कि सीरियसली लेना चाहिए इस बात को, क्योंकि पहले भी सनी लियोनी जैसी हस्ती को उन्होंने बहुत डिफेंड किया और भी हस्ती करती रहती हैं जी, तो व्हाट इज द पॉइंट टू यू नो टेक इट सो सीरियसली? सही बात है। मेरे कई दोस्त शुभचिंतक मुझे ये बोलते हैं कि शैलेन व्हाई डू यू गेट सो अनॉयड, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बुरा मानने वाली बात ये है कि ये जो कुत्ते हैं जो टॉमी इंडस्ट्री ने पाल रखे हैं, ये बड़ी होशियारी से, समझदारी से मी टू विक्टिम्स की अखंडता और विश्वसनीयता को खारिज करने के लिए इस तरह के कमेंट्स या इस तरह की टिप्पणी देते हैं, जैसे अरे शैलेन चोपड़ा तो पॉर्न स्टार है, अरे वो तो वैश्या है, अरे वो तो ये है, अरे वो तो वो है।
आप सबको बता दूं कि राखी सावंत जो एक बदजात और बददिमाग औरत है, उसका मोडस ऑपरांडी है क्या? लग्जरी होटल्स में जाकर प्राइवेट इवेंट्स करना और करवाना, ये है उसका मोडस ऑपरांडी। और क्या करती है वो जिंदगी में? आए दिन सब्सक्रिप्शन पर बॉयफ्रेंड और हस्बैंड बनाती है, उन्हें लूट लूट के कंगाल बनाकर छोड़ती है। ये है उसके जीने का तरीका। हम सब जानते हैं कि वो एक नंबर की भीख मंगी है, झूठ मूठ का ड्रामा करके लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करती है, और आजकल किस खान के टुकड़ों पर पल रही है ये हम सब जानते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार ये जो नेक्सस है फिल्म इंडस्ट्री में, ये रेप कल्चर को, ड्रग कल्चर को, सेक्सिज्म को, नेपोटिज्म को बढ़ावा क्यों दे रही है? और हम इस गंद को कब तक बर्दाश्त करें? ये भारत देश है, ये संविधान के अनुसार चलता है, यहां पर यौन शोषण का विरोध होता है, यौन शोषण करने वालों का विरोध होता है, ये भारत देश है, यहां पर महिला को लक्ष्मी मानते हैं, यहां पर महिला को जैसे दूसरे देशों में, खास तौर पर अफगानिस्तान में सेक्स मशीन माना जाता है, वैसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर लक्ष्मी को, महिला को मान सम्मान दिया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि महिला का सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं। हमारी राष्ट्रपति कोई और नहीं बल्कि एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो जिस देश की राष्ट्रपति एक महिला है और जिस देश के प्रधानमंत्री जोर जोर से नारे लगाकर कहते हैं कि महिला का मान सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, उस देश में हम देख रहे हैं कि यौन शोषण को बढ़ावा दिया जा रहा है, यौन शोषण करने वालों को सेलिब्रिटी माना जा रहा है। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है बिग बॉस की जो वो मीटू आरोपी साजिद खान को अपने घर से बेदखल नहीं कर रहे हैं? क्यों? वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्यों बिग बॉस के दिल में मी टू के पीड़ित महिलाओं के प्रति सहानुभूति नहीं है? क्यों? हम इंसाफ की गुहार लगाने कहां जाएं? मैंने एक पत्र लिखा है माननीय श्री एकनाथ शिंदे सर के लिए, उसमें मैंने लिखा कि सर, मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपकी बहन हूं, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि कई महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, और हमारा जो आरोपी है, जो मोलेस्टर है, वो कहीं और नहीं बल्कि बिग बॉस के घर में आराम फरमा रहा है। तो सर, मेरी गुजारिश है आपसे कि प्लीज़ आप हम पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाएं। बहुत जल्द मैं जाने वाली हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, माननीय राज्यपाल जी से मिलने के लिए, और अपनी लीगल टीम के साथ सलाह मशवरा करके मैं बहुत जल्द एक मोर्चा खोलने वाली हूँ, और आपके माध्यम के अनुसार मैं उन तमाम महिलाओं से, पुरुषों से निवेदन करती हूँ हाथ जोड़कर कि यदि आप यौन शोषण के खिलाफ हैं, यदि आप यौन शोषण करने वालों के खिलाफ हैं, तो आप बेझिझक हमारे इस आंदोलन में भाग ले सकते हैं, इस मुहिम में आप हमारा साथ दे सकते हैं, ताकि आगे चलकर आपके सामने इस तरह कोई महिला बैठकर इंसाफ की गुहार ना लगाए यौन शोषण के लिए, यौन शोषण करने वालों के लिए, यौन शोषण के खिलाफ इस तरह की गुहार ना लगाए, ताकि वो नौबत ही ना आए
वेस्टर्न कंट्रीज में जब ये मीटू शुरू हुआ था काफी लोग परिश किए गए, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ मीडिया इंटरेक्शन हुआ, लोगों के बारे में मालूम चला कि इन्वॉल्व थे, जी कोई भी ऐसा लीगल एक्शन नहीं हुआ ना, तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनको लगे कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, जी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हॉलीवुड में हार्वे वेंस्टेन जो एक मीटू आरोपी है उसको करीब करीब 23 साल की सज़ा हुई, इस समय वो जेल के सलाखों के पीछे है, वो किसी रियलिटी शो में आराम नहीं फरमा रहे हैं। लेकिन यहाँ बॉलीवुड की मीटू आरोपी साजिद खान को सेलिब्रिटी स्टेटस दिया जा रहा है। मेरी गुजारिश है सलमान खान सर से कि कुछ देर के लिए अपनी दोस्ती यारी ज़रा साइड में रखें कुछ देर के लिए, और ये सोचें कि अगर हम उनकी बहनें होती, अगर हम उनकी अपनी होती, तो क्या वो कोई स्टैंड नहीं लेते? क्या वो हमारे मोलेस्टर मीटू आरोपी साजिद खान को धक्के मार के बिग बॉस के घर से बेदखल नहीं करते? क्या एक महिला के लिए स्टैंड लेना जरूरी नहीं है? क्या दोस्ती यारी निभाना महिलाओं के हक से ज्यादा जरूरी है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते सब खामोश हैं। सलमान खान सर खामोश हैं, बिग बॉस के मेकर्स खामोश हैं, पुलिस खामोश है। हम किस तरह का मैसेज दे रहे हैं समाज को? जब जब मैं इंसाफ की गुहार लगाती हूँ, राखी सावंत जैसे कीड़े मकोड़े सामने आकर कहते हैं, अरे ये तो पॉर्न स्टार है, अरे ये तो वैश्या है। आप मुझे बताइए, क्या संविधान ये कहता है कि वस्त्रहीन होना रजामंद होने के बराबर है? वस्त्रहीन होना अलग है, रजामंद होना अलग है। अगर कोई महिला वस्त्रहीन होकर सड़क पर चल रही होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रजामंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पुरुष या कोई भी इंसान उसको हाथ लगा सकता है या छेड़ सकता है। हमें ये समझना चाहिए कि न्यूडिटी डज नॉट टैंटामाउंट टू कंसेंट। जिस्म की नुमाइश करना रजामंद होना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये लोग अनपढ़ हैं, गवार हैं, जाहिल हैं, इसलिए ये लोग इस तरह की टिप्पणियां हर आए दिन करते रहते हैं। जी डिलीट किया, तो उसमें उन्होंने ऑब्वियसली कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं। जी उन्होंने कहा है कि वो आपको एक काउंटर सूट कर रहे हैं। जी उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो चीको का। जी 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 वो स्क्रीनशॉट है मेरे पास। जी जैसे शायद आपने जी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा होगा, आपने लीक करवाई कोई वीडियो, उसके कारण शायद उन्होंने आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं किया, ऐसा कुछ उस पर कुछ बताना चाहेंगे? देखिए इस समय जी वो स्क्रीनशॉट मैंने संभाल कर रखा है जिसमें उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है मेरे लिए, और अगर वो सच में लीगल नोटिस भेजना चाह रहे हैं तो बेशक भेजें, मेरी लीगल टीम इंतज़ार कर रही है उस नोटिस का जवाब देने के लिए। लेकिन इस तरह की चेतावनी देने के बाद उस चेतावनी को डिलीट करना, इसका क्या मतलब निकलता है? क्या जोश में होश खो बैठे हैं या उन्हें लगता है कि उनसे कोई गलती हो गई है? खैर बहरहाल जो भी बात है उन्हें सामने आकर स्पष्टता से अपनी बात रखनी चाहिए, बताना चाहिए कि क्यों उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट किया, और ये भी बताना चाहिए कि क्यों मुंबई क्राइम ब्रांच ने FIR 26/2021 के चलते उन्हें
चीफ या की कंस्पिरेटर घोषित किया। थैंक यू। राखी सावंत, पॉटी माउथ, मोटर माउथ, बदजात, बद दिमाग, अश्लील, घिनौनी, घटिया, नीच और क्या क्या एडजेक्टिव्स यूज करूँ मैं उसके बारे में, कम पढ़ रहे हैं। तो ये महिला पीड़ित महिलाओं के प्रति, पीड़ित महिलाओं के प्रति सहानुभूति क्यों नहीं दिखा सकती है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते हमेशा, चाहे यौन शोषण किसी का भी क्यों ना हो, हमेशा वो कसूरवार महिला को ही ठहराती है। वो कहती है कि क्योंकि महिलाएं छोटे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि महिलाएं जिस्म की नुमाइश करती हैं, इसलिए उनका यौन शोषण होता है। अरे कोई जाए उस बददिमाग, उस बदसात औरत से पूछे कि छोटी छोटी बच्चियों का रेप क्यों होता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण क्यों होता है, कोई जाए पूछे उससे। कौन सा वो कल हम लोग कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, आपको जानकारी दी जाएगी, क्योंकि सलमान खान हमारी बातों को अनसुनी कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि बिग बॉस के मेकर्स के खिलाफ हमें मोर्चा खोलना चाहिए, इसलिए क्योंकि इस समय हमारे आरोपी मी टू अक्यूज्ड साजिद खान बिग बॉस के घर में आराम फरमा रहे हैं और उन्हें वहाँ पर सेलिब्रिटी स्टेटस दिया जा रहा है, और ये हम पीड़ित महिलाओं के मुंह पर किसी करारा तमाशा से कम नहीं है। तो हम शांतिपूर्वक तरीके से कलर्स के ऑफिस के बाहर बैठकर एक आंदोलन करना चाह रहे हैं, मोर्चा खोलना चाह रहे हैं, और तब तक हम वहाँ से हटेंगे नहीं जब तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री खुद आकर हमें यह आश्वासन ना दें कि इस पूरे केस की निष्पक्ष जांच पड़ताल होगी और आरोपी को जेल के सलाखों के पीछे बंद किया जाएगा।